आधार कार्ड उन मुख्य सरकारी डॉक्यूमेंट्स में से एक है जिसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। ये जितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उतना ही आजकल इससे फ्रॉड भी किए जाते हैं। कई बार लोगों को आपका आधार नंबर पता चलता है तो वो उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। वैसे तो UIDAI की तरफ से आधार की वर्चुअल ID भी जारी की गई है। जी हाँ, वर्चुअल ID एक 16 अंक का नंबर होता है। वहीं साधारण शब्दों में आपको बताएं तो वर्चुअल ID सरकार की तरफ से प्रमाणित आधार की इंटरनेट कॉपी होती है, जिससे ओरिजिनल आधार की तरह जरूरी सेवाओं के लिए यूज किया जा सकता है। तो आप एजेंसियों को अपने आधार नंबर की बजाय UIDAI वर्चुअल ID दे सकते हैं और अपने आधार की जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं। इसे कोई दूसरा आपकी आधार की पर्सनल जानकारी जो है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको आसान स्टेप्स में बताते हैं कि आप वर्चुअल आधार आईडी को ऑनलाइन कैसे जेनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद सिलेक्ट माय आधार ऑप्शन को ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करना होगा और इस स्टेप के बाद आपको आधार सर्विसेज ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको वर्चुअल आईडी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और ये ऑप्शन जो है वो आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा जहाँ पर VID जेनरेशन होगा। तो उस पेज पर आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड को डालना पड़ेगा और इसके बाद आपको सेंड OTP ऑप्शन को क्लिक करना होगा और इसको क्लिक करते ही आपका OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। आप OTP को लॉगिन करें और स्टेप के बाद आप वेरीफाई और प्रोसीड करें और स्क्रीन पर आपकी VID जो है वो फ्लैश करने लगेगी और इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आएगा कि आपकी यूनिक आधार वर्चुअल आईडी जो है वो आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है।